दोस्तों इंटरनेट पर दो तरह की वीडियोस डेली अपलोड होती है, जिसमें से एक होती है वो कि जो लोगों को ज्ञान देती है, और दूसरी होती है वो जिनसे होता है लोगों का एंटरटेनमेंट, और वो भी बहुत ही तगड़ा वाला, बिल्कुल टॉप लेवल का। जिनमें से जो वीडियोस आज मैं लेकर आया हूँ ना, वो तो पक्का ही आपकी लाइफ की परेशानी को भुला के दे देगी आपको कुछ पलों की एक मीठी सी स्माइल। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो बिना वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती है कि जो भरी हुई है बेवकूफ लोगों की बेवकूफियों से। देर रात को लोगों की हवा टाइट कर देने वाले भूत ने जब इन दो लड़कियों को डराने की कोशिश की, तो एक लड़की तो वहाँ से भाग गई, पर दूसरी वाली डरती हुई सही मगर वहीं पर खड़ी रहती है और कुछ ऐसा करती है कि इससे वो नहीं बल्कि उसे डराने आया भूत वहीं अपने होश खोकर गिर जाता है। दोस्तों अगर स्कूटी पे एक लड़की भी बैठी हो तो वो ऐसे ऐसे धमाके कर सकती है, तो अब जरा आप सोचिए कि ये तीन लड़कियां यहाँ आज कितने बड़े बड़े धमाके करने वाली है। चलिए आप मत सोचिए, मैं ही आपको दिखा देता हूँ। खत्म गया। दोस्तों हड्डी वाला मास्क पहनकर ये लड़का कि जो यहाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है अपनी एक फ्रेंड को डराना, जिसके लिए जैसा कि आप देख ही सकते हो कि वो यहाँ ऊपर जाकर बैठ गया है। लेकिन वहाँ ऊपर जाकर बैठने के बाद वो नहीं होता जो कि उसने सोच रखा था, बल्कि वो होता है जो कि किस्मत ने उसके लिए सोच रखा था। न्यू ने जिम ज्वाइन किए हुए लड़के की जिम के अलग अलग इक्विपमेंट देखकर यह पहली बार यूज करते वक्त वही हालत होती है जो कि यहाँ इन जना की हुई है, जो यहाँ इसे यूज करके बनना चाहते तो थे हीरो मगर उनकी किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन कोई मुझे ये बताओ कि ये कौन सी मदद है, मतलब आग लगी है कोसों दूर और ये इंसान लोटे जितने पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों फायर से याद आया कि आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए कि इसमें इस लड़की को ये लगता है कि अभी अभी आई इस कार में आगे की ओर आग लग चुकी है, जिससे वो तुरंत ही पहले एक और फिर उसकी फ्रेंड मिलकर दो फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, जिसमें काफी कोशिशों के बावजूद भी वो आग नहीं बुझ पाती। लेकिन जब वो तीसरे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उस आग को बुझाने गई, तब जाकर उसे ये पता चला कि वो आग आग नहीं बल्कि उस कार की लाइट थी, जिसे दरवाजा खोल के अब जाकर उस कार ड्राइवर ने ऑफ किया है। दोस्तों आज भी अगर कोई दो बेवड़े दोस्त एक ही जगह पर मिल जाए जो कि एक दूसरे से नाराज हो, तो हमें उनसे वही कराटे देखने को मिलता है जो कि कोई बेचारा अपनी लाइफ में कई साल देने के बाद जाकर सीख पाता है। दोस्तों साइड में बैठे इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये जनाब यहाँ बैक फ्लिप लगाने जाते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी किस्मत उनसे इतनी ज्यादा रूठी हुई होगी। जैसे ही भाई साहब ने जंप लगाने की कोशिश की, चप्पल ने साथ छोड़ दिया और भाई साहब का कर डाला एक बहुत बड़ा वाला पोपट। दोस्तों आजकल ये सोशल मीडिया पर तरह तरह के कभी हंसने तो कभी रोने वाले फिल्टर वायरल हो रहे हैं ना, उन्हीं में से ये रोने वाला फिल्टर कि जिसमें अगर हम हंस भी दे तो भी हम रोते हुए नजर आते हैं, उसे ये लड़की ऑन करके दिखाने गई अपनी मॉम को। लेकिन मॉम को इस वीडियो का पार्ट बनाना उस लड़की के लिए कितना बेहतर साबित हुआ, वो तो आप मॉम की बातें सुनकर ही जान लो। यार ये कितना फनी फिल्टर है, मैं हंस रही हूं, लग रहा है रो रही हूं। मम्मी भी ट्राई करते हैं। क्या मम्मी रो क्यों रही हो? तुम जैसी औलाद होगी तो इंसान रोएगा ही। चलो हट यहां से। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये नीता जी यहाँ बिल्डिंग पर खड़े होकर उनके लिए चेयर कर रहे उनके समर्थकों को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक सेकंड, ये जनता कहाँ है कि जो उन्हें चेयर कर रही है?
लोगों में शादियों का खाना फिर इसे वो साल में 2-3 बार ही मुश्किल से खा पाते हैं। उसे खाने की इतनी भूख होती है फिर इसे उस खाने और उनके बीच स्वयं भगवान का भी कुछ नहीं आ पाता। जैसे यहाँ पर हार ना मान के इन कुर्सियों को मिला बना के अपनी सालों की भूख मिटा रहे हैं। दोस्तों अब ये वीडियो तो होती है यहीं पर समाप्त, लेकिन अगर आप ऐसे ही थोड़ी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दो वीडियोस में से एक वीडियो देखना मत भूलना।